खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी की संग्रामपुर पुलिस ने दो शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो बाइक बरामद किया। थाना संग्रामपुर के चौकी टीक्रमाफी प्रभारी शिवबख्श सिंह बीती रात क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि चौकी क्षेत्र के राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास दो संदिग्ध किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद है। इस सूचना को चौकी प्रभारी ने इंस्पेक्टर विश्वनाथ यादव को दी और उनके निर्देश पर हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच दोनों को घेरेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। सीओपी युष्कांत राय ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की पूछताछ में दोनों की पहचान सूरज मौर्य पुत्र रामकल्प मौर्य नगरडीह थाना पीपरपुर और शनि पुत्र सुखलाल निवासी सिंगठी घूरा का पोरवा थाना पीपरपुर के रूप में हुई। उनकी निशानदेही पर चोरी की दो मोटरसाइकिल व हजामत तलाशी में एक अदद तमंचा 12 बोर व दो जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में दोनों के खिलाफ थाना संग्रामपुर में $0.03337/19 पर धारा 411 413 भाद विव $0.03338/19 धारा 325 से एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। माफी चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ रात को कल 22 तारीख को रात को करीब 10:30-11 बजे के लगभग क्षेत्र में थे। ये सूचना मिली थी कि कुछ बाइक चोरी करने वाले लड़के एक बाइक से बिना नंबर की अपाचे है उससे जा रहे हैं पीपरपुर से अमेठी की तरफ दुर्गापुर रोड पर। इस सूचना पर चेकिंग अभियान उनके द्वारा रात को किया जा रहा था, उसी के क्रम में इनको दो राधा स्वामी सत्संग के आश्रम के पास जो लगभग बॉर्डर पे है संग्रामपुर थाना क्षेत्र के, वहाँ पे दो लोग एक अपाचे जिस पे कोई नंबर नहीं था उस पे पकड़े गए। गिरफ्तारी उनकी की गई जिसमें एक अपाचे सफ़ेद बिना नंबर की और दूसरी एक हीरो होंडा उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। इनमें एक सूरज मौर्य पुत्र रामकल्प मौर्य ये नगरडी का रहने वाले हैं थाना क्षेत्र पीपरपुर और दूसरा भी थाना क्षेत्र पीपरपुर के ही सिंगठी गांव का शनि पुत्र सुखलाल हैं। अभियुक्त सूरज मौर्य के पास एक तमंचा 12 बोर दो जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये बाइक चोरी करते थे। इससे पूर्व पूछताछ में पता चला कभी जेल नहीं गए हैं। अभी ये शुरुआती अपराधी हैं, इन्होंने अपराध की शुरुआत की थी और चोरी करते थे बाइक को चोरी करके और बेचने का प्रयास कर रहे थे। ये दोनों बाइक चोरी की हैं तो इनके मालिकों के बारे में पता किया जा रहा है, बाकी अन्य कार्रवाई की जा रही है।